हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, फिर से लेकर आ गया हूं एक ट्रेडिंग की वीडियो। आज की इस वीडियो में भी हम लोग जो है लाइव ट्रेड करने वाले हैं। एंड अभी जो है रात के, आप देख सकते हो 12:15 बजे हैं। अभी आप सोच रहे रहोगे कि इतने रात को मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, तो एक्चुअली कोई ऐसा इंटेंशनली नहीं सोचा है मैंने, बट मैं देखना चाहता था कि संडे, एक्चुअली संडे ख़त्म हो गया, अभी जो है मंडे चालू हो गया, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो फिर भी हम लोग यही समझेंगे कि ये संडे की रात है अभी भी, एंड देखना है कि इस रात को ग्राफ्स कैसे होते हैं, कितने फ्लक्चुएट करते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पर आपको दिखेगा। सो ठीक है, 1000 रुपीज़ से हम लोग एक ट्रेड करने वाले हैं। एंड लेट्स सी, 1000 रुपीज़ दोस्तों मैंने डाउन के लिए लगाए हैं। मेरे अकाउंट में 12,000 रुपये थे, 1000 रुपये मैंने लगा दिए हैं, अभी 11,000 रुपये जो है मेरे पास है। बहुत ज़्यादा हमें जो है रिकवर नहीं करना है, या फिर यानी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें नहीं कमाना है। जस्ट टारगेट रखेंगे 2 to 3,000, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये आईडी मेरी जो है प्रैक्टिस आईडी है, मेरी प्रोफेशनल आईडी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। एंड फ़िलहाल जो है मैं ऐसे टाइम पर प्रैक्टिस आईडी में जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, एंड जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये परफेक्ट टाइम है, फिर जो है मैं अपने रियल आईडी पर ट्रेड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डील तो हम लोग ने लगाई है। हाफ टाइम 30 सेकेंड से ज़्यादा हो चुके हैं, ग्राफ नीचे है, हम लोग ने नीचे के लिए जो है 1000 रुपीज़ लगाए हैं। ग्राफ अभी भी नीचे है और 15 सेकेंड ग्राफ्स को नीचे होल्ड करना है। सो ऐसा तो लग रहा है हम जीत जाएंगे, बट स्टिल कुछ बोल नहीं सकते, बस लास्ट मौके पर ग्राफ ऊपर ना आ जाए। एंड ओके सक्सेसफुल। ओके गाइस, हम लोग ने लगाए थे 1000 रुपीज़, मिले हैं 1800, यानी कि 800 रुपीज़ का जो है हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। सो फिर से हम लोग जो है 1000 रुपीज़ की ट्रेड करेंगे। डाउन मैंने जो है फिर से लगा दिया है 1000 रुपीज़ के लिए, बट इस बार जो है ग्राफ्स ऊपर गए हैं। ओके, वेट करना है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, 1.5 मिनट तो भी हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। सो फिलहाल हम लोग बिटकॉइन पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है 80% ही प्रॉफिट परसेंटेज है, दिखा दूँ मैं आपको, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि सबसे ज़्यादा है फिलहाल बिटकॉइन में। बिटकॉइन हमें 80% रिटर्न दे रहा है, अल्टकॉइन हमें 79 और इथेरियम तो भाई पूछो मत। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, यानी कि अगर आप कोई अमाउंट लगा रहे हो तो उस अमाउंट का अगर आप जीते हो तो आपको 80% बढ़ा के मिलेगा। जैसे 100 लगाओगे तो आपको 80 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। जैसे पिछले बार आपने देखा मैंने 1000 लगाया था तो मुझे 1800 मिला था, जहाँ 800 का जो है मुझे प्रॉफिट हुआ था। सो इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे। अभी भी 40 सेकेंड है और 40 सेकेंड में ग्राफ को नीचे आने में ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट ओके ऐसा लग तो नहीं रहा है किसी एंगल से नीचे आएगा ग्राफ, बट वो बोलते हैं ना होप फॉर द बेस्ट, बस ऐसा ही कुछ है। अगर हम ये डील हारते हैं तो हम 200 रुपये जो है हारेंगे ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट डील में हम लोग ने 800 रुपये जो है जीते हुए थे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने शायद पहली डील हार चुके हैं, सॉरी दूसरी डील हम हार चुके हैं। पहली डील हमने जीती थी, दूसरी डील हम हार रहे थे। हम लोग अभी अल्ट कॉइन इंडेक्स में ट्राई करते हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 सेकेंड्स का ही ब्रैकेट होता है। सो यहाँ पर जीतने के नहीं, बस थोड़ा सा फास्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐसा। ओके, तो यहाँ पर अब के लिए जो है मैंने 1000 रुपीज़ लगा दिए हैं, एंड देखना है कि ग्राफ अप जाता है या फिर डाउन, कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल। ओके, डाउन पर आ चुका है ग्राफ, टाइम बहुत कम है, 16 सेकेंड्स बाकी हैं अभी, ग्राफ नीचे ही है।
ओके, थोड़ा थोड़ा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर गया एंड सडनली फिर से नीचे आया है, तो शायद हम लोग ये भी डील अभी हार जाएंगे। नो डाउट हम लोग ये भी डील हार चुके हैं। ओके, फिर से मैंने 1000 रुपीज़ डाउन के लिए लगा दिए हैं यहाँ पर इस बार। ओके, देखना है कि इस बार क्या होता है, इस बार सिर्फ वेट करेंगे हम लोग क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है। चलो और एक डील में जो है। ओके दोस्तों, मैंने 2000 रुपीज़ जो है डाउन के लिए लगा दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ग्राफ डाउन जाएगा सो मैंने लगाए हैं, बट फिलहाल तो ग्राफ ऊपर ही है। सो वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर ये डील हारते हैं तो रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं। सो अगर हम हारते भी हैं तो रिकवर करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। ओके, तो शायद हम जीत चुके हैं। ओके, हम जीत चुके हैं गाइस, बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज थे हम लोग। 2000 रुपीज़ लगाए थे, मिले हैं 3580 रुपीज़। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, 1580 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी 79 है, 80 भी नहीं है एक्चुअली पूरे। सो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ। ओके, यहाँ पर मैंने वापस से 2000 रुपीज़ डाउन के लिए जो है लगा दिए हैं। इस बार देखना है कि हम जीतते हैं या फिर हारते हैं। लास्ट पिछली बार हम लोग बहुत ही एकदम छोटा सा डिस्टेंस के वजह से हम जीत चुके थे, बट इस बार कुछ बोल नहीं सकते। ओके, ग्राफ ऊपर की तरफ मुड़ गया है एंड अच्छी हाइट। ओके, नीचे आया फिर से नीचे आया है, एक अच्छी हाइट हमें मिल चुकी है एंड अब जो है जीतने के चांसेस पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे हैं। 3 2 1 सक्सेसफुल। हाँ ओके गाइस, फिर से लगाए थे 2000 रुपीज़, मैंने मिले हैं 3580 रुपीज़। सो इस बार भी जो है हमें अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। सो गाइस, देख सकते हो अकाउंट में सिर्फ 12000 थे और अभी जो है हो गए हैं हमारे 13960 रुपीज़, यानी कि लगभग जो है 2000 रुपये हम लोग ने जो है कमा लिए हैं। अगर ये 87% होता तो हम ज़्यादा ही कमा लेते, लगभग 2500 के ऊपर जो है हम लोग का प्रॉफिट जाता, लेकिन फ़िलहाल जो है प्रॉफिट परसेंटेज कम है। सो इसी के वजह से जो है हम लोग ने थोड़ा सा कम कमाया, लेकिन फिर भी हम लोग ऑल राउंड जो है 2000 रुपीज़ हम लोग ने अर्निंग किया, ऐसा हम लोग मानते हैं। सो गाइस, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूँ किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि 1000 हारे तो 2000 लगाना है, 2000 हारे तो 4000 लगाना है। ये जो है आपको थोड़ा सा रिस्की होता है। देखो, गलत नहीं बोलूँगा लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है। सो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा कि ना ले। अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो नहीं लेना बेहतर है। सो गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कुछ पूछने का रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जाने से पहले एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ तो सबसे पहले उसे आप देख सकें।